मोबाइल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 5.5 साल के बाद वतन वापस पहुंच गई। मुल्क में जुडिशियल एनआरओ या जुडिशियल मार्शल ला नहीं आ रहा, चीफ जस्टिस साकिब निसार। अमल में शमूलियत के लिए तालिबान पर मुश्तरका दबाव डालना होगा, वजीर खारजा खाजा से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफ़क़ हिरा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरुख प्रताप के सामने को। फरुख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मैं भी रिपीट कर देती हूँ, टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे अच्छी खबर के साथ, और वो खबर ये है कि मलाला यूसुफजई आखिरकार 5.5 साल बाद वतन वापस जो है वो आ चुकी हैं। वो वतन जहां से, जहां वो पली बढ़ी, जहां वो पैदा हुई, जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी कि पाकिस्तान, और उसके बाद जिस तरह से तालिबान ने, दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया था, उसके बाद वो यहां से चली गई थी। लेकिन 5.5 साल बाद वो एक बार फिर अपने वतन पाकिस्तान वापस आ गई है। इसी हवाले से वजीर आजम शाह खान अब्बासी साहब ने उनके एजाज में तकरीब भी की, जिसमें उन्होंने खिताब करते मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि आखिर 5 साल बाद वो अपनी मट्टी में जो है वो वापस आ गई हैं। उनका कहना था कि मैंने पूरे दिन रात यही ख्वाब देखा था कि कब वक्त आएगा जब मैं अपने वतन वापस आ सकूंगी। आप दीदा भी हुई, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादातर रोती नहीं हूं, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। 20 साल की मैं हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ देख लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ यही ख्वाब है कि पाकिस्तान में जो खवातीन हैं वो खुद मुख्तार बनाई जा सकें, पाकिस्तान में तालीम जो है वो आम हो सके। इसलिए जो मलाला फंड है वहां से भी 60 लाख जो डॉलर है वो अब तक मुख्तलिफ मंसूबों पर जो है वो लगाया भी जा चुका है। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और मईशत ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान में तालीम को आम करना चाहिए, खवातीन की तालीम को आम करना चाहिए, और खवातीन को खुद मुख्तार भी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी साहब भी इस तकरीब में, क्योंकि उन्होंने ये तकरीब जो है वो मलाला के एजाज में दी थी, उन्होंने भी खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा बहुत खुशी हो रही है, हमारी वो बच्ची जिसने पूरी दुनिया में जो है नाम कमाया है आखिरकार वतन जो है वो वापस आ गई है, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि मलाला यहीं पर रहे। मलाला ने जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, वैसे ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो पूरे पाकिस्तान ने लड़ी है, और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया माने कि पाकिस्तान ने किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और जंग लड़ा है, लेकिन बहुत जल्द जो है हम दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाया कर देंगे पाकिस्तान से। फरुख, मलाला के बारे में हमेशा से आप बहुत, मेरे ख्याल में आप कोई भी बहन हो, कोई भी बेटी हो, कोई बच्ची हो, कोई भी खातून हो, बड़ा पॉजिटिव बोलते हैं हमेशा से, लेकिन मलाला के वाले से आपने बहुत पॉजिटिव बोला, कैसा लग रहा है कि 5.5 साल बाद आखिरकार मलाला अपने वतन वापस आ गई? बिल्कुल भाई, वैसे आपको पता होगा कि मलाला जो है वो अभी टेम्पररी आई है जी, अभी जाएंगी वापस, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान उनकी जब प्रॉपर वापसी होगी तो उस वक्त भी हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपने कहा कि सपोर्ट में बोलने की बात, तो मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि जब ये अटैक हुआ था उसके कुछ अर्से बाद, जब ये बच गई थी और सेहत हो गई थी, तो मैंने कॉलम भी लिखा था मोबाइल फॉर मलाला के नाम से। तो मेरा तो हमेशा से ये ख्याल है कि हमारे यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर बेटियों को अटेंशन जो है वो दुनिया का मीडिया क्यों दे रहा है, क्या कुछ है, लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान की बेटियों ने जहां पे भी गई है ना डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाए और हमें सुरखरू किया है। देखिए, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक सोसाइटी है, जिसके अंदर जो है कदामत पसंद भी लोग होंगे और तरक्की पसंद लोग भी होंगे, ठीक है। लेकिन जिस मुल्क की आबादी का ज्यादा बड़ा हिस्सा यूथ हो, तो उसको हमेशा प्रोग्रेसिव थिंकिंग का की आदत होती है। और सबसे पहली जो बेसिक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है वो ये है कि बेटियां और बेटे बराबर हैं, और बेटियों की तालीम भी उतनी जरूरी है जितनी बेटों की है, और इस सारी कहानी के अंदर इस बेटी का किरदार बहुत ज्यादा है कि जो जाना चाहती थी पढ़ने के लिए उस पर अटैक किया गया, क्लोज क्वार्टर्स से उस पर फायर किया गया,
सर्वाइव भी किया उसने और फिर अभी तक जो है उसने पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया है और आज भी आप उसका अटायर देखें तो उससे ज्यादा पाकिस्तानी करियर एम्बेसडर जो है कौन लगता है कि होगा जो कल्चर को उठा पूरे पूरे दुनिया में जिस तरह से मलाला ने मैं वही आप हमेशा बात करते हैं लॉबिंग की लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर पूरी की पूरी लॉबी होते हैं जैसे मलाला है वो हर जगह बात करती हैं लोग उनकी बात सुनते हैं पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं वो बात सुनते हैं वो उनकी बात रजिस्टर करते हैं बहुत सीरियसली लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली के एम्बेसडर बन चुकी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे इमेज को लेकर हर जगह जाती हैं। पर 5 साल बाद वापसी हुई है 5.5 साल बाद मलाला की तो क्या आज ये हम समझ लें कि हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी से जो है इसका बिल्कुल सफाया हो चुका है दहशतगर्दी का और अब बिल्कुल सेफ है कि मलाला वापस भी आ गई हैं। आज हमने मलाला को आंसू भी देखे मलाला रोई भी वो लग रहा था जैसे वतन से मोहब्बत और वतन से जो दूरी की वो तकलीफ थी वो आज नजर आई क्योंकि वो कहती मैं ज्यादा रोती नहीं हूं लेकिन आज बस आंसू आ रहे हैं। तो क्या हमने अपने मुल्क को ऐसा बना लिया है कि अगर किसी भी बच्ची को उस तरह से निशाना नहीं बनाया जाएगा और साथ में 5 साल का या 5.5 साल का इंतजार न करना पड़ेगा मुझे अपने वतन वापस जाना। आपने दो तीन बातें इकट्ठे की। पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं ना मलाला या ऐसे किसी फिनोमिनन की तो उसके अंदर हम खास तौर पे अल्फाज की कैद और उसकी अल्फाज की जो कोताहियां या कमजोरियां हैं ना उसको देखते हैं। उसकी वजह ये है कि चाहे वो आप 20 साल की हो लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके सामने वो सब कुछ हो रहा था एंड शी वाज अ किड तो वो एक बच्चा ही है ठीक है और वो नदर बहादुर बच्चा है जिसने जाके दहशतगर्दों को भी फेस किया बच्चियों की तालीम के लिए बहुत किया और ये याद रखें कि सारी दुनिया के अंदर तालीम खासकर बेटियों की देखिए मेरी दो बेटियां हैं ठीक है और बेटियों की तालीम के मामले के ऊपर शी हैज बिकम अ सिंबल। जैसे ही आप बात करते हैं तो आपको एक बच्ची नजर आती है जो कि तख्ती उठा के ठहरी है और जो पढ़ाई के लिए तैयार है जो कलम उठा के ठहरी ठीक है। अब उसके ऊपर जो सहूलतें आई वो हमें पता है क्या थी वो आपने सही फरमाया कि दहशतगर्दी का मामला था और दहशतगर्दी उस जमाने में सवात में बहुत फैली हुई थी सवात के अलावा मलकंद के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे थी। उसके बाद हमने देखा है कि पहले जरब अजब बहुत बेहतरीन ऑपरेशन हुआ और फिर देन वी ऑल्सो सॉ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रिसेंटली एज वेल ददुल फसाद जो कि अभी ऑन गोइंग है। उससे ये हुआ है कि दहशतगर्दी कम जरूर हो गई है लेकिन ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना इनका काम ये होता है कि अगर कहीं सेंचुरी मौजूद हो तो उसको तो आप खत्म कर दें लेकिन ये तमाम जो जहनीत है दहशतगर्दी की ये वायरस की तरह होती है जिसको आप जो है इम्यूनिटी के जरिए मार सकते हैं और आप अपने माशरे के अंदर शोर के जरिए मार सकते हैं तो जरासीम शायद कहीं ना कहीं मौजूद होंगे लेकिन पाकिस्तान खत्म करेंगे क्योंकि अभी आपने कहा दो ऑपरेशन भी अभी क्योंकि हुए एक ऑपरेशन जो अभी क्रिकेट वापस आ गई क्रिकेट बिल्कुल मैदान आबाद हो गए हम क्रिकेट देख रहे पहले लाहौर तक आ गए थे लाहौर में हो रही है हमने कराची में भी देखी है वेस्टइंडीज की टीम भी आ रही है वो भी कराची में मौजूद होंगे अगला पूरा PSL इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में होगा मलाला की वापसी तो ये तमाम बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। उसके बावजूद जब मलाला ग्रे लिस्ट में होता तो बड़ा दुख होता वो ग्रे लिस्ट को छोड़िए इस वक्त थोड़ी सी देर के लिए लेकिन बात यह है कि मलाला और आज के दिन आप और मैं अगर आजादी से फिर सकते हैं अपने काम के लिए जा सकते हैं बाजार में फिर सकते हैं कहीं नहीं जा सकते तो उसकी एक चीज की वो जो है ना गवाही देता है। ये याद रखे कि आज भी आप दुनिया भर के किसी डॉक्टर से जाके पूछ लें कि जिस मिलिट्री सर्जन ने जिस फौजी सर्जन ने उसके ऊपर ऑपरेट किया था स्टार्ट में उसने कितना बड़ा मिरेकल किया था आपके सामने आंखों के सामने हो बंदूक और दिमाग पे गोली मारी जाए और उसके बावजूद अगर बचा लिया गया तो अपनी फौज को और अपने फौज के सर्जन को ये आर्मी मेडिकल कोर को हमें खराज तहसीन वो करना चाहिए। उसके साथ साथ फौज ने बहुत ज्यादा दबांगे दोहल और बड़ी मर्दानावार लड़ाई की है दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हैं जो कि किसी न किसी बुनियाद पर नहीं मानते हैं ना लेकिन ये एविडेंस है आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर रौनकें रोशनियां और सबसे बड़ी रोशनी मलाला ये वापस आ गए ये रोशनी है मलाला फरुख ये वो रोशनी है जिसको हमने सामने देखा। हमने देखा कि किस तरह से ये बच्ची डायरी लिखती रही कैसे हमने देखा कि उसके बाद किस तरह से तालीम के लिए आगे बढ़ती रही तालिबान के आगे खड़ी हो गई फिर हमने देखा स्कूल जाती रही फिर किस तरह जब उसकी जान लेने का वक्त आ गया जब तालिबान ने दहशतगर्दों ने उसकी जान लेने के लिए सब कुछ किया अब वो तो मिरेकल होगा कि ये जो है वो बच गई।
लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली इसको जाना पड़ गया मुल्क से बाहर, लेकिन पर ये तो सब चीजें हमारे सामने थी, फिर क्या वजह है कि आज भी हम मलाला के खिलाफ, अभी भी सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी वैसे ही बातें, लेकिन वजह क्या है, क्यों मगरबी एजेंट कहा रहा था कि मगरबी एजेंट, वो बच्ची जिसने अपनी जान गंवाने की हद तक आ गई वो मगरबी एजेंट कैसे बन गई जिस बच्ची के लिए थे, और पहले यही लोग बातें करते मलाला पाकिस्तान क्यों नहीं आती, मलाला हर जगह आ रही है, अब क्यों आ गई है, अब कह रहे आगे हुई है, अब आपने क्यों कहा टेम्परेरी, अब ये भी कह रहा है अच्छा परमानेंट तो आई नहीं, बात तो ये है कि परमानेंट आए फिर स्कूल में जाए फिर सब कुछ फिर हम मानेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्या है, हमारा मसला क्या है, अगर हमारा कोई फेस है तो हम बजाय उस फेस को पाकिस्तान के अच्छे इमेज के लिए जो है उसको हर जगह लेके जाए, उसकी उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाए, उसके लिए बहुत अच्छा बोले, हम उसे को डिमोलिश करने के लिए चक्रों में होते हैं, इमेज इमेज कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब, अगर रियलिटी अच्छी है ना तो इमेज भी अच्छा हो जाता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी अच्छी होते हुए भी इमेज अच्छा नहीं होता। लेकिन जो मलाला की बात आपने की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नफर आपने कहा कि जी आई क्यों क्यों नहीं आई, मुल्क से बाहर बैठी है, ठीक है, मतलब आप कोट करिए ना, देखिए मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये कहने दें कि अगर मैंने कोई खवातीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें की हैं कभी भी इस प्रोग्राम में बैठ के तो आपकी फुल सपोर्ट की वजह से और बहुत दफा आपकी एग्रीमेंट की वजह से है, और मैं आज के दिन भी ये बात कर रहा हूं तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि यू कीप ऑन सपोर्टिंग इट, ठीक है, लेकिन अब जो है वो जो आपने कहा कि आई नहीं आई, आपने बचपन में कहानी नहीं सुनी थी कि वो एक बुड्ढा किसान और उसका बेटा और एक गधे की कहानी थी, बिल्कुल ठीक है ना, जिसके अंदर ये है कि बाप बैठा जा रहा होता है और बेटा पैदल जा रहा होता है, लोग कहते हैं कि जी देखो कैसा बाप है कि बेटा पैदल चल रहा है और बाप जो है ना गधे पे जा रहा है, उसके बाद जो है बेटे को ऊपर बिठा देते हैं, लोग कहते हैं कि जी देखो कैसा गंदा बेटा है कि बाप बूढ़ा जो है ना वो पैदल जा रहा है, दोनों गधे पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि यार देखो गधे की अब कोई ख्याल ही नहीं करते जालिम लोग, तो वही वाला हिसाब है हमारी सोसाइटी का, जो लोग कहते हैं ना कि मगरबी वो एजेंट है, ठीक है, उनसे बताओ तुम मशरकी एजेंट हो, तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, ठीक है, पाकिस्तान के लिए जितना कुछ किया है उन लोगों ने किया है जिन्होंने कोई सऊबतें, देखिए इसके आपको पता ना स्कल के ऊपर एक मेटल का यहाँ पे टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है, अभी भी उस बच्ची के चेहरा जो है वो पूरी तरह से फुल स्माइल नहीं कर पाती है, लोग इससे भी बातें कर रहे होते हैं, लोग इससे भी कहते कोई ड्रामा है, लोग कहते ये भी पता नहीं क्या चीज है, यहाँ से एंगल है तो मुंह ठीक है, यहाँ से बस क्या बात है, आज बच्ची रो पड़ी, सभी लोगों का ड्रामा क्वीन, मतलब और वो ट्रेन चल रहा है, मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े ऐसे लोगों को जो जिनको हम लिबरल भी कहते हैं उनको भी मैंने देखा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जहालत का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, अल्लाह ताला जिसके दिल बंद कर दे तो उसको कोई नहीं खोल सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो जानबूझ के इस तरह की जहालत फैलाते हैं उन पे अल्लाह ताला का गज़ब हो, यही कह सकता हूँ, और दूसरा मैं जितनी भी बेटियां सुन रही है ना उनको ये जरूर कहना चाहूंगा, खासतौर पर मैं देखिये औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, खुद काम करने वाली भी है जैसे आप कर रही है ना, तो इन तमाम से ये है कि इस सिंबल को हाथ से मत जाने देना, अगर कोई बंदा उसके बारे में बदगोई करता है तो उसका एहतसाब करो, उसकी वजह है कि उसके फिजिकल मार्क्स मौजूद है जहां पे उसका जख्म हुआ है, उसका वीडियो मौजूद है जब ऑपरेशन हो रहा था, सारी चीजें एविडेंस मौजूद है, और उसके बाद अगर कोई ये बंदा कहता है और फिर देखिए कड़ियां क्या मिलाई जाती है, एक साइड पे कहा जाता है आफिया तो आई नहीं, भैया आफिया की स्टोरी आप देख कर लें, उसमें इस बच्ची का क्या कसूर है, एक बेटी आपकी अपनी मट्टी से निकली हुई, वो जो है जो आपके बारे में आज भी कहती है कि पाकिस्तान खूबसूरत है, जो कहती है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो दहशतगर्दी से लड़ के बच के सामने आ जाएगा, मेटाफर के तौर पर देख लो, मलाला इज अ मेटाफर, राइट, किस चीज का मेटाफर है, पाकिस्तानियत का, पाकिस्तान पे हमला हुआ, हमारे सर के अंदर गोली मार दी गई, ठीक है, हम तड़पते हुए मुश्किल हालात में रहे, दहशतगर्द रोजाना कभी आपके जो है ना इस्लामाबाद पे हमला हो गया, कभी आपकी एयर बेसिस पे नेवल बेसिस पे हो गया, कभी आपके जीएचक्यू पे हुआ, बहुत कुछ हुआ, एपीएस हुआ, आपके दिल के टुकड़े काट लिए उन्होंने, इन तमाम चीजों के बावजूद आज के दिन पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है और दहशतगर्द भाग रहा है,
अगर आप ये देखें तो मलाला इस पाकिस्तान पाकिस्तान मलाला बिल्कुल ठीक है, फर्क की बात समझ आती है अभी क्योंकि एफपीएस का भी जिक्र। ये क्या कंपैरिजन है जो हमें नजर आ रहा है आजकल के, जी मलाला देखें, मलाला के साथ ये हुआ तो मलाला बाहर चली गई, एपीएस के बच्चों के साथ हुआ, एक दो बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनको तो 8-8 गोलियां भी लगी, वो उसी स्कूल जाते रहे तो मलाला जो होती, ये पूरा मगरबी प्रोपेगेंडा ना होता तो मलाला भी यहीं पड़ी होती, ये बच्चे भी जो थे इनका इतना कुछ हो गया, ये भाई स्कूल जा रहे, कंपेरिजन बनता है क्या? करो देखिए, पहली बात तो ये है कि मलाला का वाकया एपीएस से काफी पहले हुआ जी। जिस वक्त ये एपीएस का हो रहा था तो उस जमाने में तो इनमें बेल प्राइज वगैरह हो गया था ना, मतलब उसके करीब ही था। अच्छा, लेकिन जो मलाला की इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो कौन से एरिया में थी और एपीएस के बच्चे कहाँ पढ़ते थे। एपीएस तक आ जाने का मकसद तो ये हुआ ना कि बिल्कुल घर जो हमारे सेफ क्वार्टर्स तक आ गए थे, लेकिन अदरवाइज जो स्वाद की एनवायरमेंट थी मलाकंद की थी उसके अंदर ये बच्ची किस तरह जा रही थी, आपको पता है स्कूल में वो जो सुजुकी पीछे से खुली हुई होती है ना उसके अंदर बैठ के जा रही थी और वहां पे रोक के उसने गोली मारी। अच्छा, अब इतने हॉस्टाइल एनवायरमेंट में और खासतौर पर अगर किसी को गोली लग गई, सर में लग गई यार, उसके बाद उसको सस्टेन करना है तो उसको बाहर ले गए, और अगर ले गए तो इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, इतने मर्दाना वार हो तो उस दहशतगर्द को भी कंडेम करो ना जिसने गोली मारी थी, उसके बारे में चुप हो जाती है। उस टाइम तो आपको याद है जो मलाला वाला वाक्य हो तब भी कोई इतना ज्यादा हमने वो नहीं देखा, मुझे कॉलर को शामिल कहा जा रहा है कि करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? आप ही, मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ मरी की। जी शाहजेब बोलिए। अच्छा, ये मलाला हमारे मुल्क में जो है 5.5 साल बाद पहुँची है, उन्होंने ये कहा कि तालीम मईशत पर जो है ये सियासत नहीं आना चाहिए, आनी चाहिए। जी कह दिया उन्होंने। अरे मेरे ख्याल नहीं आ सकता, उन्होंने कोर्ट कर दिया है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कहना, आप हमारी बहन 5 साल बाद वापस चाहिए मिला लगी, क्योंकि आप इसकी बात कर रही हैं और जो हमारी बहनें इसके साथ शहीद हुई थी आपने कभी उनका नहीं जिक्र किया, और जो हमारे एपीएस के बच्चे जिसे एपीएस के बच्चों का आप तो अपना नाम भी आपने नहीं बताया और ये एपीएस को हम उसमें एपीएस के बच्चों का जिक्र। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे ये आपको पता होगा इस हमले से पहले नहीं, ये अच्छा है जवाब भी होना। नहीं, मुझे मैं सिर्फ कहते सुन लिया करें ना, थोड़ा बेहतर मिला रहे हो तो आपकी बात की जा रही होती। देखिए मसला ये हुआ है कि ये सारे का सारा मामला जो था ना वो बड़ी क्विकली हुआ ना, ये अटैक वगैरह उस वक्त आपके बहुत सारे लोग, देखिए मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली एक क्लेम आया कि सवाद के अंदर एक और वो जो वीडियो थी जिसमें पिटाई की जा रही थी तो वो जाल गई थी कहा जाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन हो गया, क्या हो गया, ये सारी चीजें उस जमाने में जिसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि जी वो जाली थी, उसने बड़ा अपनी तरफ से तुरंत खानिंग की क्योंकि पाकिस्तान को वो लगता था। लेकिन अभी आप गूगल पे चले जाए, यूट्यूब पे चले जाए, कर्नल इमाम का नाम लिखे और उसके अंदर देख लें कि उनको कौन हलाक कर रहा है। अच्छा, डैनियल पॉल के लिए चले जाए, ये सारे के सारे लोगों ने एक्चुअली लोगों को मारा है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप एक तो डिनायल से निकलिए। अच्छा, जो आपको आके कहते हैं कि जी कुछ साजिश थी और बाकी था, ये सारा झूठ है, उसकी वजह आपकी अपनी फौज ने उस बच्ची को रेस्क्यू किया और उसको फिर हील किया। अच्छा, अब बात फिर आ गई वो जो दो बच्चियां दो तीन तीन थी साथ जो थी। अच्छा, वो उनका जो है उनको मामूली जख्म है, लेकिन वो भी बच्चियां हमारी। एक बात याद रखने की, ये जब दहशतगर्द गया है तो ये किसको मारने गए, उन लोगों को मारने गए या फिर उसको मारने गए? मलाला वाज अ सिंबल बिफोर शी वाज अटैक्ड, और अगर कोई सिंबल मेरी पाकिस्तानियत और मेरी तरक्की का है और उसका अटैक नहीं है तो मैं उसके बारे में क्यों नहीं ज्यादा बात करूंगा। एपीएस के बारे में जो लोग करते हैं ना यार ईमान से, उस पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और यकीन माने कि आप गहरी बातें मुझसे छोटे होंगे, मेरा जी जाता है कि मैं आके वहां पे कान खींचूं। उसकी वजह यही है कि हम तो एपीएस के बच्चों के बारे में तो सल्यूट कर करके जिस दिन हुआ था उस दिन से जितना ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रोग्राम में हमने आप लोगों के जज्बात की अकाशी की है, क्योंकि आपके टेलीफोन होते और हम भी थे और उस वक्त कंफ्यूजन थी, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, हमने इसको ज्यादा ग्राउंड करके रखा है और अब आप कहते हैं कि उसकी बात नहीं की। भैया यहां पे हैं वो बच्चे,
उसकी वजह ये है कि वो जो इतने बच्चे शहीद हो गए उसके बाद मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि मैं भी बाप हूँ तो मुझे कितना धक्का लगा होगा उन दिनों, आपको कितना लगा होगा। तो हमने सब ने यहाँ पे बैठ के अपनी रियासत का हाथ पकड़ा और रियासत के साथ हम खड़े होना हमने सीखा। तो ये जो कोई कहता है ना उसके अब इलाज का मसला है। मेरे ख्याल में अगर आपने इनसिक्योरिटी करनी हो तो अपने अपने बहन भाई, अपने बीवी बच्चों, अपने वालदैन पे भी आप शक करते होगे। आई रियली सिंपथाइज विद देम, लेकिन अदरवाइज जो है मेरे ख्याल में अगर कोई बंदे ने पाकिस्तान के लिए कोई, एक तो इज्जत की बात है ना, दूसरा यार करेज देखो ना, एक बच्ची एजुकेशन के लिए जा रही है और उसके ऊपर अटैक हो गया, पहले धमकियां मिल रही थी और हम पता नहीं किस दुनिया में है अपनी पगड़ी को खुद उठा के पाऊंगे नीचे। बहुत ठीक है, मुजरम शायद हमारे सामने आज बहुत तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो पाकिस्तान की बच्ची है और जिस तरह जिस हालात में गई लेकिन उसने पूरी जगह पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जब वापस वतन पाकिस्तान आई है तो एक बड़ी शख्सियत बन गई है। तालीम के हवाले से मलाला यूसुफजई का बहुत काम भी है, जो मलाला फंड है उससे भी 60 अरब डॉलर जो अब तक खर्च भी हुए हैं खवातीन की तालीम के हवाले से। पर आपको ये खवातीन के लिए, खवातीन की तालीम के लिए और ऐसे इलाकों में जहां पे अभी तक खवातीन की तालीम को अच्छा नहीं समझा, मलाला कैसे सिंबल नजर आती, कैसे आगे लेके जाएंगे जब वो परमानेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएंगी तब तो ऑब्वियसली वो खुद से ही सारा काम कर लेंगे। हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब के जमाने में उन्होंने सबसे पहले कहा था ना, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, लेकिन वफात हो गया उसके बाद। अच्छा, फिर जो है ना पीटीआई के जो सपोर्टर वगैरह है उन्होंने भी बड़ा जज्बातियत वो की, क्योंकि उनको ये लगता है देखिए इमरान खान साहब से पहले पाकिस्तान को कभी कोई इंटरनेशनल प्राइज नहीं मिला था। अभी जो पीटीआई के ट्रोल्स बैठे हुए ट्विटर के ऊपर वो कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इमरान खान के अलावा कोई और कोई जो है ना हीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, अब अगर कोई हीरो है तो वो है। अब ये लोग प्रियंत करते हैं कि उसको शास्त्रदान के तौर पे देख के इसलिए हमला करना शुरू करते थे। भैया वो शास्त्रदान के शीज अड राइट नाउ, अभी उसको जो है बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। लगे रहना भाई, लगे रहो। उसके बाद ये होगा कि अगर अपने आप को डिवाइड करने पे लगोगे, जोड़ने पे नहीं तोड़ने पे लगोगे, तो पहले तो अपने घर को, एक्चुअल घर को, जिस छत के नीचे रहता है ना बंदा, माँ बाप बहन भाई, उनको डिवाइड कर दोगे और उसके बाद ये होगा कि एंड में खुद भी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकोगे। अगर इतनी ज्यादा साजिशें दुनिया में होती है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, हम हार गए। लेकिन अगर साजिश नहीं है और पाकिस्तान का सिंबलिज्म था, मैं फिर कहता हूं कि वो बच्ची जो है साबित करती है, वो मुंह बोलता सबूत है। मैं ही कहता हूं वो नोबेल प्राइज जो है वो सिर्फ उस बच्ची को नहीं मिला, आर्मी मेडिकल कोर को मिला के उसको भी बचाया, ठीक है, पाकिस्तान की रियासत को भी मिला। अब वो बच्ची कर भी पाकिस्तान और बच्चों की ही एजुकेशन के अंदर, जो कि आपने जो नंबर बताए थे वो 60 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होता है, वो इतना नहीं था। अच्छा, लेकिन हर छोड़े, अच्छा अब मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद उसकी बात तो सुने, वो पता क्या कह रही है, वो कह रही है कि जब सारी दुनिया में सारी दुनिया खामोश हो ना तो एक आवाज भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एंड शी इज राइट। आज के दिन आपके मुल्क के अंदर बेटियों के लिए, एजुकेशन के लिए कितनी आवाजें हमें पब्लिकली रेजोनेट होती हुई सुनाई देती, ठीक है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी जिन्होंने इसकी एग्जांपल देख के और तालीम देने की कोशिश की होगी और अपने इलाके में वो की होगी। आज था ना एक खातून हमारी जो वो थी कैंडिडेट थी या उन्होंने मेंबर थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं पहली अपने उससे खातून जो है ना वो हूँ पॉलिटिशियन हूँ। इस तरह के आपको बहुत ज्यादा था कि हम सारे मलाला के साथ मिलकर जो हम बार बार लॉबिंग की बात करते हैं, हम बार बार अपने इमेज की बात करते हैं, हमारे बारे में कहा जाता है कि जो है दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं, दहशतगर्दी को फरोग देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम सब मलाला का सपोर्ट करते हैं और मलाला जिसकी दुनिया में हर जगह जाती है तो वो जाती है और हमको सपोर्ट करते, वो बताती कि नहीं पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है। आप मुझे देखें ना कि मैं भी दहशतगर्दी का शिकार हूँ, मेरी पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या होता है। देखें जो बात है ना, काश पे तो दुनिया कायम है, लेकिन आपने जो बात की है उसका बड़ा सिंपल है वो ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं, तीन किस्म के होंगे ना,
एक तो जो है वो समझते होंगे कि इसकी वजह से पाकिस्तान के सिंबलिज्म में कोई कमी आती है। अच्छा, उनको पता होना चाहिए कि मलाला एज अ प्रोजेक्ट, उसको सेव करना, उसको सेफ्टी से मुल्क से बाहर तक ले जाना, वो पाकिस्तानी रियासत ने किया है। तो दैट मीन्स कि मेरी रियासत इतनी कमजोर नहीं है कि उसकी शिनाख्त को मजरू हो जाए एक बच्ची की को इज्जत मिल जाने से। ठीक है, बहुत बड़ी रियासत है, बहुत खूबसूरत रियासत है और इंशाल्लाह और बड़ी होगी। अच्छा, दूसरा वो समझते हैं इस्लाम का भी होगा। अपने मजहब को समझना चाहिए ना, आगे से समझना कोई नहीं चाहता, वरना मेरा मजहब भी इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्ची की वजह से उसकी इज्जत पे या उसकी शान पे की खराबी आती हो। बात यह है कि वो भी मुसलमान है, इस्लामिक सिंबल्स के साथ खड़ी है, चादर पहन के फिर रही होती है। ये बात है कि चादर जो है वो इस्लामिक सिंबल है या नहीं, इस पर डिबेट चल रही है, लेकिन वो तो पहन के खड़ी है। अच्छा, इन तमाम चीजों में अगर आप खाल की बाल की खाल निकालना चाहें तो चादर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर फिर भी अक्सरियत हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गई है कि हमारी बेटी जो है वो हमारे राइट्स की बात करती थी और उसके ऊपर हमला हो गया, तो आज के दिन अगर वो ठीक ठाक है या बच के लिए है तो वो हमारे पाकिस्तानियत को शो करती है, हमने पाकिस्तानियत को बचाया। बिल्कुल ठीक है, हम सबको मिलकर जो है वो सलाम मलाला यूसुफजई कहना चाहिए कि मलाला यूसुफजई ने वो काम किया है जो बहुत कम जो है बच्चियां कर पाती हैं, जिस तरह से मुल्क का नाम रोशन किया है, तो हमें सिर्फ उनको सलाम करना चाहिए। ब्रेकअप मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन सेकंड टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे जिद्दी दांत कैसे निकलेंगे? सर्फ एक्सेल है ना, इतना महंगा पाउडर। महंगा लगता है पर है नहीं, सर्फ एक्सेल का एक चम्मच जो जिद्दी दांत निकाले वो आम पाउडर के तीन चम्मच भी न निकाल पाए, यानी महीने में तुम्हारा एक पैकेट मेरे तीन पैकेट से बेहतर। सर्फ एक्सेल के काम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। मैं हूँ आपकी मेजबान वर्दा शुजा। क्या कहते हैं सियासत दान, क्या लिखते हैं अहले सहाफत, क्या सोचते हैं अहले दानिश, हम पेश करते हैं हर खबर का तजिया पूरी जिम्मेदारी के साथ। हमारे साथ होते हैं मुल्क के मायानाज सहाफी और तजियादान राना कैसर, तारिक महमूद चौधरी, आवाजदार हारून। हमारे साथ पेश करते हैं लकीरों की जुबानी दिलचस्प खाके मुल्क के मशहूर कार्टूनिस्ट मजहर शहजाद खान। हम लाते हैं अखबारात की खबरों और इदारियों को जेर बहस, तीन से जुमेरात सुबह से 9 बजे बराह रात सिर्फ टीवी न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आकिब निसार के हवाले से और उनका ये कहना है, बड़ा वाज़ेह तौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि मुल्क में किसी भी तरह का जुडिशियल एनआरओ या जुडिशियल मार्शल ला का कोई इम्कान नहीं है, कोई जुडिशियल एनआरओ या मार्शल ला नहीं आ रहा, जबकि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन और जमहूरियत ही रहेगी और बाकी कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना था, हालांकि मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे थे और समाअत में उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सिर्फ पाया ही पाया है और कुछ भी खोया नहीं। उन्होंने कहा फरियादी आते हैं, साहिल आते हैं और वो जो है अपनी बात कहते हैं और हमारी बात जो उनकी बात जो है वो हम सुन भी लेते हैं, लेकिन बात सुनी गई है लेकिन उसमें कुछ भी खोया नहीं है, सिर्फ पाया ही। उन्होंने कहा कि आप इस इदारे पर और बड़े भाई पर एतमाद का इजहार करें। नाज़रीन, इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जो फरियादी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी साहब चाहें तो अपने तहफ़ुज़ात का इजहार भी कर सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब से पूछ भी सकते हैं कि ये अल्फाज उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किए हैं, इस पर बात भी हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये इदारों की बात हो रही है तो या कोई भी इदारा अगर इस तरह की चीजें करता है, किसी को भी आलाकार बनाता है, तो इसका सिलसिला जो है वो अब रुक जाना चाहिए। जी फारूख,
पहले तो वो मेरे पहले तो मुलाकात हुई, कल हम बड़ी तारीफें भी कर रहे थे मुलाकात की, हमें लगा दोनों साइड से अच्छी मुलाकात भी हो गई है, दोनों साइड से भी वो गिव एंड टेक हुआ होगा, कुछ खोया भी होगा, कुछ पाया भी होगा, कुछ हमें लगता रहा कि पाया दोनों साइड पे पाया ही पाया गया होगा। लेकिन आज जब से आप कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी खोया नहीं है, सिर्फ पाया ही है, फरियादी आते हैं, बात कर जाते हैं, हम सुन लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने जहां पे छोड़ा है ना, अब मैं बहुत डिवाइडेड हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने मलाला के ऊपर दो बातें और करनी है, ठीक है, लेकिन आपने बात जो जाति वाली की है ना, उसके जवाब भी मैंने देना। पहले मैं मलाला की बात कर लूँ और उसके लिए गला भी साफ करना जरूरी होता है। देखिए, जो बातें मैं बात कर रही हूँ आपसे चाहती हूँ, लेकिन बार बार दो बातें जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था, और वो ये है कि लोग कहते हैं मलाला ने किया क्या है, ठीक है, अगर अंधेरे में उसने कहा ना कि एक आवाज भी इम्पोर्टेंट होती है, जिस वक्त पूरे पाकिस्तान पे भी सहर कायम था और दुनिया भर के अंदर हमें नहीं पता चल रहा था कि बच्चियों के राइट्स पे रिग्रेशन हो रहा था, उसके बारे में बात नहीं हो रही थी उस तरह से, ऑल ऑफ अ सडन एक कुर्बानी दी उसने, बच्ची ने कन्फ्रंट किया, एंड देन क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये नहीं कि मलाला और पाकिस्तान कैसे हैं, बल्कि ये कि दुनिया भर के अंदर बच्चियों की तालीम जो है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस सिंबलिज्म को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि ये बच्चे जो है या फलां को, पहले कहते थे यूबी साहब को नहीं नोबेल प्राइज मिला, ये तो गलती है ना कि हमने नॉमिनेट नहीं किया, पाकिस्तान की रियासत करेगी तो जब इतना लेट करेंगे, बेनजीर साहब ने किया था 90s में मेरे ख्याल में, उसके बाद नहीं हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की वो इम्पैक्ट ही नहीं था, पाकिस्तान उतनी कुर्बानियां भी शायद नहीं दे रहा था, अगर आपने अपॉइंट कर दिया होता यूबी साहब को मिल जाता। मैं सोच रहा था कि आने वाले दिनों में अगर कोई जो डेवलपमेंट जैसे होती हैं कंस्ट्रक्टर लिटरेचर से लेके और पीस की रीजन की बाकी, तो पाकिस्तान के पास 6-7 नोबेल प्राइज आ सकते हैं अगर आप अपने मुल्क के अंदर और अच्छे लोगों के अंदर फेथ रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये खत्म करें कि किसी को नोबेल प्राइज मिल गया तो वो तो दुश्मन हो गया, लेकिन नोबेल प्राइज ना भी मिला होता दुश्मन तो उसी दिन बना दिया था। मुझे याद है नदीम फारूक पराचे ने एक वो कार्टून टाइप का वो किया ना, सितार लिखा, उसके अंदर उन्होंने एक मजाइया वो लगा दिया कि मलाला भागती जा रही है, जो अमेरिका जा रही है, ये बरतानिया जा रही है, तो उस तरह का, और लोगों ने उसको संजीदा समझ कर उसकी कमेंट्री कर दी, मलाला हो गए। अब उसकी बात कर दी चीफ जस्टिस साहब की, उन्होंने ये तमाम बातें जो की ऑब्जर्वेशन देते हुए की एक कोर्ट के केस में, ठीक है ना, एक केस के अंदर कोर्ट में बैठ के, और उसके अंदर सामने ठहरे हैं कौन, लतीफ खोसा साहब, जो कि सिर्फ लॉयर नहीं है सियासतदान भी है। अच्छा, अब आपके जो रिपोर्टर्स हैं और जो टिकट बनाने वाले, मैंने पहले उसका रीड आउट देखा, उसके अंदर वे ये कह रहे थे, देखें एक बात याद रखिएगा, अदालत बाहर कैफ अदालत होती है, ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा रियासत भी जाएगी अदालत के पास तो सवाल ही बन के जाएगी, ठीक है, इतना एहतराम और इतना हमें लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अदालत है उसने वो देना है, फैसले देने हैं, उसने इंसाफ देना है, तो जो भी जाएगा वो बेसिकली किस लिए जा रहा है, वो सवाल ही बन के जाए, ठीक ठीक। अब वजीर आजम साहब वहां जाते, वजीर आजम साहब उनके पास बैठते और ये जो भी डिस्कशन हुआ वो हो गया। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि इसे पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं, और हमने क्या बना दिया कि मैंने दिया कुछ नहीं, सब कुछ ले लिया, इस तरह की बात कर दी, विच इज रॉन्ग। यही हुआ है कि आपने वो सुनो, रोको मत जाने दो, ठीक है, एक जो है ना कॉमेंट से पूरा जुमले का मतलब चेंज हो गया। यहाँ पे भी जो टिक्कर बादशाही है उसके अंदर खबर को गलत कर दिया गया, और उसकी वजह से हमने कमेंट्स भी देख लिए मुख्तलिफ, लेकिन इश्यू ये था कि उन्होंने सिर्फ आपको तीन चीजें बताई, ये एक लाइन थी कि फरियादी फरियाद ना आए लेकिन हमने कुछ नहीं दिया, हमने कुछ दिया नहीं, हमने हासिल किया, यानी कि इट समथिंग प्रोडक्टिव हैपेंड देयर, ठीक है, वी डिडंट लूज एनीथिंग। नहीं नहीं, वो तो समझ आ गई मुझे कि कुछ नहीं खोया, पाया ही पाया, वो समझ आ गई बात, वो आ गई ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात आपने क्लियर कर दी कि वो जो ये भी कहा गया था कि फरियादी आए थे और हमने कुछ नहीं दिया, तो इट मीन्स कुछ नहीं दिया या कुछ नहीं खोया, कुछ पाया, इन दोनों के एम्फेसिस का मतलब है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, और लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। अच्छा, एक बात तो ये ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा
وہاں پسماندہ ذہنیت کے اینکرز بھی بیٹھے ہوئے اور لطیف خوشا صاحب بھی ہیں جو کہ وہاں جا کے کبھی گورنر بن جاتے ہیں کبھی کچھار بن جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی دن میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں پورا پروگرام کر دوں کیونکہ سامنے بٹھا کے کروں گا ایسی ایسی باتیں کہ حیران ہو گیا. لیکن باہر کا ایسے جب لوگ یا سامنے موجود ہوتے ہیں تو اب انہوں نے یہ تو کہنا ہے نا کہ اپنی عدالت پہ اعتبار رکھیے, اپنے سیدھے پہ اعتبار رکھیے, ہاں اپنے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم پہ اعتبار رکھیے. کیا کہ نہ رکھو کم آن تو پھر کیوں صاحب شریف صاحب نے اس بات کو نکاح کے اچھا جو خبر آ رہی ہے نا جو کنفیوژن پھر آئی لگتے نے ہمیں وہ کیا ہے نریندر مودی نے ڈالا. اچھا وہ جو ایک نقطہ ہے اور ایمفیسس ہے, اب ذہنی باتیں رپورٹ ہو رہی ہے نا ان کو, وہ خود سے نہیں بیٹھے ہوئے کھول کے, تو اگر وہ چل رہی ہے یہ بات تو انہوں نے مس پرسیو کر لیا ہوگا یا پرسیو کیا ہوگا. جیسے بھی میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ میاں صاحب جو ہے اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات بھی سنی ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم ہر وقت ترازو رکھ کے بیٹھ جاتے کہ یہ بالکل ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور پھر اس کا مطلب جی پھر یہ ٹکٹ کا ہی کام ہوا ہے جو خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا, پھر عمران خان صاحب مطلب یہ تو بڑے مزیدار تکلیف ہو گئی, مطلب کسی نے کیا بات کہی, ٹکٹ کیا بنے, ٹکٹ میں سب نے کامنٹ کر دیے. اگر دیکھیں میں نے جو ہے جتنا مطالعہ کیا ہے جتنے شخصیات کو دیکھا ہے مجھے یہ پتا ہے بالکل آپ کے ترجمان سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں وضاحت بھی کر دی ہے کہ لفظ فریادی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے, بہت ابھی مجرم محرم میں ہماری بحث تھی تو فریادی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا جو کہ کورٹ ہو گیا, کوئی کوئی ایکشن دیکھے آپ نہ یہ فروخت دیکھیں جس طرح کے بتائے سارے ہم سارے لوگ اتنے زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اور ہم سمجھ جائیں کہ جو خبر چل رہی ہے جب تک کہ ہم خود اس کی کلیئرفیکیشن اس کی جو ہے ویریفیکیشن اور جب تک صداقت نہیں ہو جاتی ہم یہ نہ پہ سیریس لیے. اب دیکھنا سوالی کا ورڈ ہوا ہی نہیں ہے, وہ سوالی کا ورڈ ٹکر پہ چل گیا, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سوالی کا ورڈ سوال ہی ہو جائیے, وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب جو پوچھ رہے, مطلب کتنا کچھ ہو جاتا ہے صرف ان ٹکر سے. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اصل بات جو ہے وہ ترجمان کی اپنی اسٹیٹمنٹ کی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. بالکل بالکل. اچھا اور اس کو جو ہے نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں مسجد کا لفظ بیل بوٹے بناتے پھرے جو لوگ بناتے, لیکن جو فریادی ہو یا کوئی بندہ گیا ہو پریئر لے کے گیا ہو لیکن وہ بھی ایگزیکٹو کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر لینگویج یوز بھی ہو نا تو مجھے اس سے بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے تمام چینلز نے ٹیلی ویژن کے چینلز نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے رپورٹ کرنے کی بجائے, تو ایک ہوتا ہے رپورٹنگ فیکٹس بیس, دوسرا یہ ہوتا ہے اپنے اوپینین کو فیکٹ بنا کے بتا دو, جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو مچھلی بازار کھڑا ہو جاتا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ جو بھی نوائز کریٹ کی جائے گی ریئیکشن تو اس پہ آئے گا. اب آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کار کیس کے اندر ہمارے سی جے صاحب نے کہا کہ اگر یہ پابندی لگانے پہ ہیں تو بہت سارے لوگوں کا کام بند ہو جائے گا. نعیم بخاری صاحب نے ٹھہرے تھے, دیکھیں نا آپ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے, تو آئی مین اف یو ریئلائز یا پھر نہیں باقی لوگ کر دیں گے جب تک یہ ٹکٹ سدن کو سیریس, بہت ساری چیزیں جی آئی ٹی کے دنوں میں کیا ہوا تھا بہت ساری اور باتیں ٹھیک ہے. اچھا جو فیصلہ آیا وہ بھی جی آئی ٹی کی بنیاد پہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, تمام چیزوں میں میڈیا کا جو رول بنتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. میڈیا کے ظاہری بات ہے سپورٹر بھی کوئی ہوں گے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی والے تو ان کو تو چاہیے نا ایک سیکنڈ میں اسٹپ نہیں بن جاتے ہیں. اچھا بہت سارے اور پیپلز پارٹی بھی وہی کرنا شروع ہوگی, بہت سارے اور ہوں گے, لیکن اس ساری چیز میں بات کو موڑا جاتا ہے ٹھیک ہے, اور ہم ابھی تک جو شیڈوز ہے بات کا بتنگڑ بنا کے بتنگڑ سے لڑ رہے ہو بتنگڑ سے. اب جو مین بات کیا تھا جو مین جس میں شاید کلیئرفیکیشن کہنی چاہیے یا جس کی تصدیق کر دی گئی وہ یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب یا باقی لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ جوڈیشل مارشل لا ہوگا جوڈیشل این آر ہوگا اس کی وجہ سے اس بات پہ فوکس ہونی تھا, فوکس فائنل سوالی پہ مجرم سے میڈم والی بات کیونکہ میڈیا نے کیا ہوا. مین بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہ جوڈیشل این آر او ہے نہ جوڈیشل مارشل لا ہے, ملک میں صرف جمہوریت رہے گی, ملک میں صرف آئین رہے گا,
जाएगा, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये आप इसमें भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी बड़ी चार बातें चल रही थी कि देखिए ना इतना ज्यादा एक्सरसाइज क्यों बार बार किया जा रहा है, इस बात पे कुछ ना कुछ तो है ना, बार बार जमूली जमूली जा रही है। वो मैंने आपको अभी बूढ़े बाप बेटे और गोदे वाली कहानी सुनाई थी, आप जो मीडिया के परसेप्शन भी इसी तरह का माफ कीजिएगा, किसी बात पे खुश नहीं होना कि आटा गूंथते हिलते क्यों, ठीक है। लेकिन अभी जो है जो मुझे कोर्ट याद आता है, सीजे साहब ने ये कहा कि जुडिशियल एनआरओ होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सोच रहा था और गहरी बात है कि ग्रामर वगैरह तो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मैं सोच रहा था पहले जो टर्म है जुडिशियल मार्शल लॉ, मार्शल का मतलब होता है फौजी, जुडिशियल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, ठीक है, लॉ। तो अब फौजी यानी कि आपने जज को बद्दी करना नहीं, वो आई मीनिंगलेस बात है, ठीक है, इसने किसी ने तो मीनिंग निकाला नहीं है, फौजी फौजी को कानून की वर्दी या कानून को फौजी की वर्दी, फिर लोग ऐसे तो एनआरओ जो है, एनआरओ का लफ्ज था नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, ठीक है। अब जुडिशियल नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर कोई बात नहीं बनती, ठीक है ना। आई मीन ये जो पफ ऑफ स्मोक है ना, देखिए ये याद रखिए, मैंने आपको कल भी एक कोटेशन दी थी, प्लीज हार्कन दिस, प्लीज टेक इट टू योर हार्ट, कि हमारे ऊपर दुश्मन भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जज्बातियत करने की मंडी खुली हुई है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल, देखिए अब तो पता चल गया ना कि फेसबुक के ऊपर जो छोटे छोटे सर्कल्स होता है ना, उसके नीचे जो थोड़ा सा ज्यादा गिर जाता है उसको उठा के लोग आपके तेज चेक कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि आपको साइकोलॉजिकली कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड आपको पता है ना, मुसलमान जो है वो 1.25 अरब है दुनिया में, फेसबुक के फॉलोअर जो है वो 2 अरब है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो मजहब से ज्यादा आबादी उसकी होगी, चाइना से और इंडिया से आबादी ज्यादा होगी। अब ऐसे और पता नहीं क्या क्या जरा है, आपकी पर्सनैलिटी आपके अवाम को देखा जाता है, फॉल टाइम देखी जाती है। फिर उसके बाद ये कि अगर उन लोगों ने जो कर रहे हैं उन्होंने पैसे पे ही देखना है और जज्बाती करना है, बर्तानिया में बैठे हो, अमेरिका किसी और जगह पे, दुबई में बैठे हो, तो पैसा किसके पास ज्यादा, पाकिस्तानी रियासत या इंडियन रियासत के पास, आपका सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया। फिर ये होता है कि उन्होंने तो सिर्फ देखना है कि कहां आग लग सकती, चिंगारी फैल, उसके बाद आग लगाने का काम तो हम खुद करते हैं, हाँ, और बड़े शौक एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं पे कोई ना कोई हिटमैन आ गए हैं आपके सिस्टम में और वो किसी ना किसी को जज्बाती करते थे, अदरवाइज भैया 2-3 महीने की बात है, उसके बाद इलेक्शन होने, ठीक है। उस इलेक्शन के बाद जो भी आएगा, अगर उन्हें तुसी सोने हो तो कल तुसी आ जाना हुकूमत, ठीक है। ऑपोजिशन के अंदर अगर वो इतने ज्यादा वो है सेल्फ बिलीफ वाले लोग हैं तो आ जाओ भाई, किसने रोका है। पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब तो ये है कि जो भी आएगा उसकी हुकूमत होगी, तो ये 1 महीने में पाकिस्तान फतह करने की कोशिश का मुझे लॉजिक नहीं समझ आता, सिवाय इसके कि मुझे मुशर्रफ और मियां साहब दोनों के जमाने में एक बात नजर आती है, परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी इकॉनमी का कहा जाता था ऊपर जा रही है, फिर हो गया जो लॉज मूवमेंट हो गया, बहुत कुछ और हो गया और उसके अंदर भी कई तरह गुस्सा आया, हम लोग भी जज्बाती हो गए और मुशर्रफ से थके हुए थे सारे कि उनकी हुकूमत को किसी तरह से गिरा दिया जाए। इकॉनमी 1 साल में उसकी दही बन गई, कहां थे पैसे, कहां गए कुछ पता ही नहीं चला, दाएं हाथ को आप बाएं हाथ को नहीं पता चला, ठीक है। अच्छा, दूसरा मियां साहब के जमाने में इकॉनमी जो है, आप अगर समझते हैं कि जो नोट आपके पास है आपकी जेब में है वो रुपया है तो वो रुपया नहीं होता, वो सिर्फ एक गारंटी है, गारंटी है। और पहले होता था पीछे बुलियन गोल्ड होता था, अब नहीं है, अब रियासत के लफ्ज के ऊपर आप जो है ना उस रुपए को की कदर करते हैं, ठीक है, यानी कि एक रियासत का जो ट्रस्ट है उसके ऊपर आप जब ट्रस्ट को अटैक कर देते हैं दूसरी दफा हो रहा है, फिर इकॉनमी स्लाइड करना शुरू हो जाती है। क्या वजह है कि आपके साथ बैठे हुए 2 मुल्क हमारे बराबर इकोनॉमी थी उनकी, एक ही पैटर्न पे चल रही थी 90s तक, और उसके बाद पहले चाइना टेक ऑफ कर गया, इधर से इंडिया भी कर गया, और जब भी हम किसी साइड पे जाने लगते हैं समथिंग हैपन्स बट वी लूज आवर डायरेक्शन। इकोनॉमी पे अगर मलाला ने कहा तो हमें कंसेंसस करना चाहिए, तमाम लोगों को अपने अपने एक फाइनेंस मिनिस्टर का शेडो कैबिनेट बना के एक मीटिंग कर लो भाई, उसके अंदर कम से कम देर मिनिमम प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पैसों को और बाकी चीजों के लिए ड्यू डिलिजेंस क्या होनी चाहिए,
क्या एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कैसे कोटा होना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन करे। टांगे खींचने से बाहर निकले, इस तरह के टिकट चलाने से बाहर निकले, दूसरे के साथ पार्टीज बनाने से बाहर निकले। हिंदुस्तान की नई पार्टी जी आ गई। नहीं, मैं तो पार्टी बनाने कह रहा था, बनानी मैं तो पार्टी बनाने कह रहा था। हिंदुस्तान की पार्टी मुत्तहिदा पार्टीज भी बन रही है। हाँ जी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा, बीएपी। हाँ, बीएपी क्या होता है? पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल भी देखे ना, ये भी तो बन रही है। ये भी तो मना बन गई, माँ बन गई, मना। हाँ, लेकिन नहीं, ये माँ और बाप नहीं, पहले तक अभी तक जो थे ना वो मोहम्मद टाइप के अल्फाज होते थे, PMLN, PTI, ठीक है ना। अब नहीं है। हाँ, अब वो इकट्ठे जोड़ोगे तो बाप, तो वो बाप का भी। तो फिर मैंने भी कहा ना, वो अच्छी जो है ना, वो है ऐसे, ये जो पूरा जो कौन इनका लीडर कौन है यार, पता क्या है, आज के दिन मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन उन्होंने कहा कि जी अब वजीर आजम अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो हम इस्लामाबाद पे वो करेंगे। हाँ। चल पड़ा है और कुछ है नहीं, एक ही रहना पार्टी, वही हो रहा है। लेकिन बात ये आ जाओ भैया, इस दफा तो मैंने सोचा हुआ, फिर धरने के लिए आया ना, तो मैंने पार्टी बदलनी है, मैंने बाद में आगे बैठ जाना है, ठीक है ना। अभी वजह है कि और कहीं मेरे टिकट तो लग जाए, वो ड्राई फ्रूट और बिरयानी वाले जमाने के लिए। नहीं, आप क्या समझती हैं, उसके बाद बाजियां बजेंगे, उसके बाद गाने बजेंगे, एंटरटेनमेंट फुल हो गया, पूरा होगा। तो अब तक शायद हमारी पीपल्स पार्टी की वो भी तो कह रही है तरीके इस्तेकाक लाएंगे हम तरीके इस्तेकाक, तो भाई पार्लियामेंट के अंदर आती है ना सड़क पर। लेकिन चलो शाही रमान भी कह रही ना कि ये अल्फाज जो है ये वापस देखिए, मुझे ये एक बात मैं कहूँ, मैंने कल भी कहा था कि लीड फॉर्मेशन का जो मामला है ना, उसके अंदर आप आज के दिन जो है देखिए, वो आपने सुनिए, वो एक ड्रामा भी था इंडिया में, साज भी कभी बहुत, वो जरा सोचिए, भुट्टो साहब से पहले थे सोहरावर्दी साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सोहरावर्दी साहब ने एक अवामी लीग बनाई, जो अवामी मुस्लिम लीग बनाई, जो कि बाद में अवामी लीग बन गई। हाँ, शेख जोशी साहब को नहीं पता कि उनकी पार्टी का नाम पहले सोहरावर्दी ने वही रखा था, बाद में वो अवामी लीग बन गई थी, वो कंट्रोल नहीं हो सकी हमसे। उसके बाद भुट्टो साहब जो है वो एडवाइजर बने अयूब खान साहब के, और फेवरेट थे, लीग आपने बना दिया, उसके बाद मैनेज नहीं, वो फांसी देनी पड़ी। उसके बाद उसकी बेटी भी गई ना, तो मैनेज नहीं हो सका आपसे, नहीं आना नवाज शरीफ साहब। मुझे याद है वो दिन जब वो सीएम बने थे, हम बच्चे थे लेकिन मुझे याद है, बहुत कम गो थे, बाकी जिस तरह से संजय रानी साहब का वो हो रहा है, इसी तरह से बातें की जाती। मियां साहब आते गए हुकूमत में, सेंट्रलाइज हो गए, पॉपुलिस्ट हो गए, और आज के दिन बहुत सारे लोगों को उनसे शिकायतें होती है ना। क्या क्या अश्योरेंस है कि संजरानी साहब से लेके पूरी पार्टी जो है ये कल आपके इससे ज्यादा गले नहीं पड़ जाएगी वो शायद ये देख रहे होंगे ना कि मतलब ये अब खैर वो जो बीएपी के मालिक हैं, जो बीएपी हैं वो खुद ही सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि वो उनको लग रहा होगा ना। देखिए जो 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 ये सब चीजें होती है ना, तो वो बड़े घाक लोग होते हैं, बड़े समझदार उनकी नजर होती है, उनको पता होता है किसने लीडर बनना है किसने लीडर नहीं बनना। तो वो लीडर वाली क्वालिटी जो मियां अशरीफ साहब में है या एक दो और लोगों में हम देखते हैं, वो फिर सब में तो नहीं होती ना, फिर ये वो उनको लगता होगा ठीक है। मैंने कहा कि मशवरा दू कि ये बात है ना, सरकार बनाए डेमोक्रेटिक अलायंस टू डिफीट अनाया जानिया मिला के होगा तो क्या बनेगा, दादा ना, भी हो गई, बाप भी हो गया, दादा भी हो गई। और किसे अच्छा, अभी आपने बात की क्योंकि थोड़ी सी जरा साबिक नवाज शरीफ साहब के माजी के वाले से बात भी की, सीएम के वाले से बात भी की, वो मेमो गेट के वाले से काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे लोग जो है नवाज शरीफ साहब को, बड़ी बार कहा, बड़े एंकर भी जो बड़े करीब रहे नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने भी कहा थी पहले आप सारी बातों से बेहतर है कि पहले तो आप माफी मांगे ना मेमो गेट के ऊपर। लेकिन बड़ा फन है, मैं तो हमेशा कहती हूँ जो भी अपनी गलती का इतराफ करता है उसकी बड़ाई होती है। मेमो गेट पे उन्होंने कहा कि शर्मिंदा हूं, नहीं होना चाहिए था ये चीज, ये गलत हुआ। लेकिन इसके बाद वही आप वाली बात, वो गदा इंसान और वो जो आदमी और उसके बच्चे वाली बात, कि जब ये बात कह दी अब इससे मसले, अच्छा तो फिर आपने ये किया था, तो फिर आपने इसलिए किया था उस टाइम की हुकूमत को हटाया था, पहले आप कहते कोई माफी मांग ले, गलती का इतराफ कर दे, वो भी कर लिया, एक बड़ाई दिखा दी, उसके बाद आप कहते कि नहीं अच्छा ये हुआ था, उसका भी कुछ होगा। ये जब तक इस तरह की चीजें होंगी तो मुझे तो नहीं लगता स्टेबिलिटी कहीं चाहिए। मुझे जो सबसे ज्यादा
वो था ना मेरे पॉलिटिकल खुशी के दिनों में से एआरडी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था मेरे लिए बहुत बड़ी एक फतह का दिन था कि पाकिस्तान ने शायद सबक सीख लिया है कि अब हम बार बार माजी वाली गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, मेमो गेट की आपने बात की, उससे पहले एनआरओ भी हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, उसके ऊपर इधर से शिकायत थी लेकिन बार कैफ चलते रह गए, और आगे रेस्टोरेशन ऑफ जजेस के ऊपर भी वो याद होगा कि जरदारी साहब ने कहा था कि कुरान का लफ्ज तो नहीं है ना अगर मैंने कहीं पे अग्रीमेंट कह दिया या वादा कर लिया। अच्छा, उसके बाद वो भी मुकर गए, यहां से एनआरओ भी देखे। पीएनएल एम ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पुष्टि बानी करने की, इल्जाम लग गया उनके ऊपर कि फ्रेंडली है। अच्छा, अगर एक और बात भी है, अगर आप कहते हैं कि उन्होंने मेमो किया, मेमो गेट किया था तो इसलिए अब देखो ना अब हमारी बारी आई, तो टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। अगर उन्होंने गलत किया था तो आप तो सही करें ना, स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल। बिल्कुल, आप भी आज वही करें, संजरानी साहब के नाम पे इतने जज्बाती होते हैं कसमे जितने होते हैं। यार ये क्या हो गया, और फिर इतना तो करो ना आजम टू शो यू द डिसेंसी कि आपकी पार्टी में शामिल हो जाए यार, कम अज कम बराबर आते हैं। ये क्या कर दिया, मतलब ये पीपीपी के क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब बार बार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा जो हमारा बयानिया है, जो हम कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, ये हर जगह जो है मकबूल भी हो रहा है, और अगर टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो एक बार फिर जीत के सामने आएगी। लेकिन सवाल ये है क्या टाइम पे इलेक्शन होंगे, ये सवाल पहले बड़ी बार पूछ चुके, एक बार फिर पूछ रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये मैंने कहा था कि इलेक्शन तो क्या उनके बल्ले साहब भी वो होंगे, अपने वक्त होंगे, और उसके बाद बाप भी आगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें कहूँ। मेरे ख्याल में ये पिछली दफा 2013 में भी इसी तरह की जज्बातियत और कंफ्यूजन फैलाई गई थी, उससे कुछ नहीं होता। मियां साहब जो कह रहे हैं उसके अंदर एक वो एंकर जिनकी वजह से 4 महीने का धरना हो गया था, ठीक है। अब वो भी बैठ के ना जल्दी जल्दी टीवी पे आते कहते हैं इसका मतलब ये है, अगर मुलाकात कर ली तो मियां साहब का सारा चीज खत्म। भैया, पंजाब का वोटर इस तरह नहीं सोचेगा, पाकिस्तान का वोटर इस तरह नहीं सोचेगा। अगर आप अज्यूम करते हो ना कि इस तमाम चीजों से होगा, यार आई लिव इन दोज पीपल एंड आई नो कि वो क्या करेंगे। पीएमएलएम जो है अभी तक स्ट्रांगेस्ट जमात भी है और बहुत मार्जिन से जीत सकती है। तो अब जो है ना, आप जितनी भी वो माइंड गेम्स करना चाहें, मुझे एंकर साहब से इसलिए शिकवा है कि उस जमाने में हम सारे जज्बातियों के उनको बचा रहे थे, और जैसे ही कुछ अर्सा गुजरा है आज के दिन उनसे ज्यादा नकाद कोई नजर नहीं आता। जमहूरियत का और फिर वो क्या क्या बातें करते हैं, अल्लाह उनको समझे, अल्लाह उनको समझाए। टाइम टाइम में तो खत्म हो गया। आज उम्मीद आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक में रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।